विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश। माता चंद्रघंटा का विवाह माता पार्वती के रूप में महादेव से होने के पश्चात वे अपने नवीन निवास कैलाश तो पहुंच गईं, किंतु वहां चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त देखने के पश्चात उन्होंने तत्काल गणों को सब कुछ पुनः सुव्यवस्थित करने के कार्य में लगा दिया और माता स्वयं शिवलिंग की पूजा स्थापना करने में जुट गईं। माता संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंद भवम भवानी। माता ये लीजिए पूजा की सामग्री। एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थी तो दूसरी ओर तारकासुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे और मेरे निवास से अंधकार और बुरी शक्तियों को सदा दूर रखे। शिवाय ओम नमः शिवाय गृह में सद गृहिणी
प्रातः और सायंकाल नियमित रूप से घंटा बजाकर ध्वनि उत्पन्न करती है। उस ग्रह से सभी प्रकार की बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। यही माता ने भी किया। उन्होंने फिर घंटे की ध्वनि से कैलाश में अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया और इसलिए माता के तृतीय स्वरूप का नाम है माता चंद्र घंटा। माता चंद्र घंटा नारी की उपस्थिति की महत्व की प्रतीक है, जिससे भवन मात्र भवन ना रहकर गृह बनता है। और माता के कैलाश आने के पूर्व महादेव एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता ने ही उन्हें वन गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया, जिसके अनुरूप उनके निवास और उनके जीवन को व्यवस्थित किया और कैलाश को अखंड ज्योति से प्रकाशित किया। इतनी तपस्या के उपरांत माता को महादेव का साथ प्राप्त हुआ था, किंतु वास्तव में तो उनके तप का सुफल तो माता के रूप में महादेव को ही प्राप्त हुआ था। अब माता के जीवन का तृतीय चरण आरंभ हो चुका था। माता का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका ध्यान हमें लोक और परलोक दोनों में ही सुख सदगति प्रदान करता है। देवी चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। माता चंद्र घंटा का ध्यान करने से साधक का तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र जागृत होता है। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र हमारे विवेक को जागृत कर उसके चरम पर ले जाता है हमें। और जब हमारी कुंडलिनी के इस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हम अपने पूर्व के निर्णय के उचित और अनुचित पर पुनः विचार करने पर विवश हो जाते हैं। महाराज, माता, अब आप भी माता का ध्यान कीजिए। अवश्य। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ महाराज, आप कुशल तो हैं? ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे कि जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो? अब हम माता की आरती करेंगे। चंद्र और रूप अलौकिक हे माँ चंद्र घंटा, घंटे की नाद से पाप विनाशे हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। कल प्रातः हम माता के चतुर्थ स्वरूप की कथा सुनेंगे। चतुर्थ स्वरूप अर्थात चतुर्थ दिवस। हर दिवस के साथ मुझे ज्ञान के साथ ग्लानि का आभास क्यों हो रहा है? रामदेव, ये मेरी कल्पना मात्र है अथवा महाराज देवदास के मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ?
जिसके कारण वो तनाव में आ गए। नहीं देवराज इंद्र, ये मात्र आपकी कल्पना नहीं है। जैसे जैसे महाराज दिव्योदास के चक्र जागृत हो रहे हैं और वो देवी पार्वती और महादेव के भिन्न भिन्न कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर जागरूकता का प्रवाह हो रहा है। ये जितना शीघ्र हो उतना ही उचित है। मुझे तो मात्र यही आशा है कि जब तक उन्हें सत्य का, अपने कृत्य के परिणाम का पूर्ण बोध हो, सृष्टि के लिए अधिक विलंब ना हो चुका हो। काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ प्रभु। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। नाथ, नाथ, मैं पूजा के समय से देख रही हूँ आप बहुत तनावग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल तो है ना? मैं तो माता के अगले स्वरूप की कथा श्रवण करने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, इतने अनेक प्रकार से मैं भी माता की यात्रा में स्वयं की यात्रा ही देख रही हूँ। आज जीवन में मुझे पहली बार आभास हो रहा है कि जैसे मुझसे कोई भूल हुई है। भूल? आपसे? कौन सी भूल महाराज? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। नहीं नाथ, आपसे कोई भूल हो ये कैसे संभव है? आप काशी के महाराज हैं, न्यायप्रियता और धर्मप्रायणता के उत्कर्ष उदाहरण हैं आप। माता आदि शक्ति, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यहाँ बंदी रहने की अपार पीड़ा सह सकूं। मुझसे रहे ब्रह्मदेव एवं देवगण को तो और भी अधिक कष्ट होता होगा। मुझे इतना बल दीजिए माता कि आपके आशीर्वाद से यहाँ से मुक्त होने तक मैं यहाँ स्थिरता से रह सकूं। वाह वाह! वेद माता, बड़ी निस्वार्थ प्रार्थना की है तुमने। वेद की देवी, सुनो मेरा सुझाव। देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम्हें मुक्त कराने यहां कोई नहीं आएगा, ना वो देवता और ना ही तुम्हारी आदि शक्ति माता। मुझे विश्वास है माता पर, इसलिए मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, किंतु तुम अवश्य अपनी चिंता करो दुर्गमासुर। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। क्योंकि यदि माता यहाँ नहीं पहुंची तो अवश्य उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। माता तुम्हारा विनाश करने अवश्य यहाँ पहुंचेंगी, तब तुम्हें क्षणिक अवकाश भी प्राप्त नहीं होगा। आदि शक्ति नमो नमः, रक्षा कीजिए माता। बड़ा दम है ना इन्हें अपनी माता की शक्ति का, तो मैं भी देखता हूँ वो कब यहाँ पहुंचती है और क्या करती है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिक नवरात्रि की चतुर्थी की पूजा आरंभ करने ही वाले हैं। हमें भी तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए। ब्रह्मदेव, नारायण, वेद माता के बिना हम देवता निरंतर अशक्त और लाचार होते जा रहे हैं।
और गणेश जी और कुमार कार्तिकेय माता की कथा सुना रहे हैं। प्रभु, अभी तो नवरात्रि का चतुर्थ दिवस ही है, किंतु हमें अब अपनी समस्या के निदान हेतु और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है। देवगण, आपका कष्ट भली भांति ज्ञात है हमें, किंतु आप तनिक वेद माता की वेदना की कल्पना कीजिए, जो दुर्गमासुर की बंदी है, देवी आदिशक्ति की पीड़ा का विचार कीजिए, जो काशी में अकेले रहकर महादेव से विलग होने की पीड़ा सह रही, और स्वयं महादेव को देखिए, जो इतने व्यग्र, जो उनके वश में है, वो सभी कर रहे हैं गणेश और कुमार कार्तिकेय। उनकी शक्ति माता की भक्ति है। आप भी माता में अपना विश्वास स्थिर रखिए और पूर्ण भक्ति भाव से नवरात्रि पूजन संपन्न कीजिए, और विश्वास रखिए, भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। नारायण, मैं हताश और निराश हो रहा था, इसलिए क्षण भर के लिए अपना धैर्य खो बैठा। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। माता कुष्मांडा माता की चतुर्थ स्वरूप है, जिनकी पूजा हम आज करेंगे। ब्रह्मांड का जन्म माता कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही हुआ था। माता की मंद मुस्कान से? हाँ माता, ये उस समय की बात है जब चहुं दिशाओं में मात्र अंधकार ही व्याप्त था, सृष्टि का कहीं कोई चिन्ह मात्र भी नहीं था। स्त्री प्रतीक है एक सुखी संपन्न परिवार का, और माता के लिए परिवार तो पूरी सृष्टि थी, इसलिए महादेव के साथ उनकी हंसी और मुस्कान ने अंधकार को दूर कर एक नवीन सृष्टि को जन्म दिया। अद्भुत, माता ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर दिया था। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे, आकाश गंगा, किंतु सृष्टि को जीवन हेतु सूर्य देव के प्रकाश की आवश्यकता थी, तो माता ने स्वयं को सूर्य के मध्य स्थित किया और उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा
और प्रकाश की स्रोत बने। स्त्री ना केवल गृह स्वामिनी होती है अपितु संपूर्ण ऊर्जा की स्रोत होती है। हम पर कृपा कर हमें वचन दीजिए कि आपके और माता पार्वती के संयोग से सभी कोई पुत्र जन्म नहीं मिलेगा। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है तो वो अत्यंत कुपित हुई। कल रात देखिए माता कुष्मांडा की कहानी श्री विघ्नहर्ता गणेश में।